तो जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है और वेस्ट इंडीज की टीम ने अनाउंस कर दिया है अपना स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड, जो 5 T20 मुकाबले होने हैं जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है। आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे जो खिलाड़ी की वापसी हुई, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बात करें तो T20 में हमेशा से ये टीम खतरनाक रही है। सबसे पहले आपको स्क्वाड बता दूं कि स्क्वाड किस प्रकार है, क्योंकि वहां पे अगर देखें तो बड़े बड़े खिलाड़ी तो वापस आए हैं और जो टीम में है आपको वो खूंखार लगते हैं, बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी में भी देखे तो अच्छी है वहां पे टीम। सबसे पहले आपको स्क्वाड बता दूं, रोमन पॉवल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे वहां पे, से होप वाइस कप्तान, रॉस्टन चेस, मैथ्यू फोर्डे, सिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, अखिल हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रैडन किंग, काइल मेयर्स, गुराकेश मोटी, निकलस पुरन, एंड्रे रसल, एक तरीके से नाम कह सकते हैं कि सरप्राइजिंगली, क्योंकि लंबे समय से क्रिकेट से दूर है, इंटरनेशनल क्रिकेट से T10, IPL, बिग बैश, बांग्लादेश, लंका प्रीमियर लीग सभी खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर बात करें तो 2021 में ही उन्होंने अपने आखिरी T20 मुकाबला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में खेला था, उसके बाद नहीं खेलते हुए नजर आए। और जिस तरीके से वापसी हुई है उनकी, तो कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। रदरफोर्ड आपको नजर आएंगे और रोमारियो सेफर्ड, ये है पूरी स्क्वाड जो एक तरीके से है। बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पे रोमन पॉवल, से होप, रोस्टन चेस, सिमरन हेटमायर, काइल मेयर्स आपको नजर आएंगे, एंड्रे रसल आपको नजर आएंगे, निकलस पुरन आपको नजर आएंगे। मतलब बल्लेबाजी में इस टीम के पास बहुत सारे विस्फोटक बल्लेबाज हैं और कह सकते हैं कि संयम के साथ खेलने वाले से होप, रोस्टन चेस जैसे बल्लेबाज भी हैं। गेंदबाजी में देखें तो गुडाकेश मोटी, अखिल हुसैन दो स्पिनर हैं वहां पे, और गेंदबाजी में तेज गेंदबाजी में देखें तो वहां पे रोमारियो सेफर्ड हो गए, अल्जारी जोसेफ हो जाएंगे वहां पे, और मैथ्यू फोर्डे हो जाएंगे जो उन्होंने आखिरी वनडे मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके, और वनडे मुकाबला भी समाप्त हुआ है 3 वनडे, और 3 वनडे में हाल क्या रहा है इंग्लैंड टीम का आप समझ सकते हैं, 2-1 से सीरीज गंवा चुकी है और ये पिछले 25 साल में पहली सीरीज जीत है वेस्ट इंडीज की अगेंस्ट इंग्लैंड। कब कब मुकाबले होंगे, 5 T20 मुकाबले होने हैं वैसे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच, आपको बता दूं पहला T20 मुकाबला 12 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा 14 को, तीसरा T20 16 दिसंबर, 19 दिसंबर को चौथा, और आखिरी T20 मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा। और कह सकते हैं कि ये T20 सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जब कुछ महीने बाद ही T20 वर्ल्ड कप है तो हर एक T20 सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लैंड के लिए भी और वेस्ट इंडीज के लिए भी। तो रोमारियो सेफर्ड और सैमरन रदरफोर्ड, निकलस पुरन, इन सब की तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वापसी हुई ही है। रदरफोर्ड जो कि T10 में हो गया या कैरेबियन प्रीमियर लीग में हो गया, वहां पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एंड्रे रसल का नाम जिस प्रकार आया है कह सकते हैं कि प्रशंसकों में खुशी, क्योंकि एंड्रे रसल को देखना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ रन बनाए वहां पे वो अच्छा लगता है, तो देखना होगा किस तरीके से रिजल्ट आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।